राज्यसभा का घमासान समाप्त हो चुका है। राज्यसभा की 3 सीटें थी, 4 प्रत्याशी थे। दोनों ही पार्टियों के दो दो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना था और अब नतीजे सामने हैं। बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और कांग्रेस को 1 सीट पर ही सिमटना पड़ा है। बीजेपी के दोनों उम्मीदवार सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी ने जीत हासिल की है। सिंधिया को 56 और सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले हैं और कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिले हैं। कुल 206 वोट थे जिसमें 2 वोट रद्द हो गए हैं। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ। जिनमें सीटों पर मतदान हुआ है उनमें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला था। खड़े हुए उम्मीदवारों की जीत और हार ने काफी कुछ आगे की राजनीति का आईना साफ कर दिया है। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी बदलने और भाजपा के उम्मीदवार बनने के साथ ही सबकी नजर उन पर टिकी हुई थी। वहीं दिग्विजय सिंह की जीत निश्चित करने के लिए कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 2 वोटों का झटका भी लगा। बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग के उसके बाद बीजेपी संगठन के सामने गुना से बीजेपी के विधायक गोपीलाल जाटव ने सफाई भी दी कि गलती से उनसे क्रॉस वोटिंग हुई है। वहीं बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागड़ी का वोट भी गलत मतदान करने के चलते निरस्त हुआ है। वहीं सपा और बसपा ने बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान में विधानसभा के 206 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इनमें भाजपा के 107, कांग्रेस के 92, बसपा के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय सदस्य शामिल हुए। सुबह ठीक 9 बजे मतदान शुरू होते ही पहला वोट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डाला। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मतदान किया। मतदान के दौरान कोरोना बीमारी के संक्रमण से निर्वाचकों को और निर्वाचन प्रक्रिया से संबंध अमले के बचाव के लिए मद्देनजर एहतियात बढ़ती गई और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। विधानसभा के गेट पर विधायकों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रतीक्षा कक्ष में बैठाया गया। यहां उनसे लिखित में उनकी और परिवार के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई। पीपीई किट पहनकर कांग्रेस के कोरोना पॉजिटिव विधायक कुणाल चौधरी विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में सबसे आखिरी में कांग्रेस के कोरोना पॉजिटिव विधायक कुणाल चौधरी ने मतदान किया। करीब 12:30 बजे के आसपास सभी 205 विधायक वोट कर चुके थे। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने कुणाल को वोट डालने की अनुमति दी। उन्होंने पीपीई किट पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वोट दिया। इससे पहले उन्हें एम्बुलेंस से 3 गाड़ियों के घेरे में अस्पताल से विधानसभा तक लाया गया। उन्होंने रास्ते में एम्बुलेंस के विंडो से हाथ निकालकर कई जगह लोगों को विक्ट्री का साइन भी दिखाया। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए 3 रिक्त हुई सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। आखिरी वोट कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने डाला। कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से पीपीई किट पहनकर मतदान करने पहुंचे। उनका वोट अलग से लिफाफे में रखा गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कोरोना वायरस पॉजिटिव विधायक के राज्यसभा के लिए मतदान करने के बाद विधानसभा परिसर को सैनिटाइज किया गया। राज्यसभा की रिक्त 3 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं सुमेर सिंह सोलंकी तथा कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया उम्मीदवार थे। विधानसभा में सदस्य संख्या के अनुसार भाजपा के पक्ष में 2 और कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जाना सुनिश्चित माना ही जा रहा था। भाजपा विधायक करीब 8:30 बजे ही विधानसभा परिसर में पहुंच गए थे। वहीं कांग्रेस विधायक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर इकट्ठे होने के बाद विधानसभा परिसर पहुंचे थे। मतदान के लिए कांग्रेस विधायकों का श्यामला हिल्स स्थित पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर पहुंचना 8:00 बजे से ही शुरू हो गया था। कांग्रेस के सभी विधायकों के नाश्ते की व्यवस्था यहां की गई थी। इसके बाद कांग्रेस के विधायक 2 बसों से विधानसभा के लिए रवाना हो गए। कमलनाथ खुद बस से विधायकों के साथ विधानसभा गए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मतदान के लिए पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम 1 सीट जीत रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से
कूटनीति तक। दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।